चलिए हम देखते हैं कि हम इस टॉपिक में क्या-क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, बारंबारता, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वर्गअंतराल, वर्गचिन्ह, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि और अज्ञात बारंबारता को ज्ञात करना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। चलिए इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखें। छह मित्रों के एक समूह के पास निम्नलिखित संख्या में चॉकलेट है, तो एक मित्र के पास चॉकलेट की औसत संख्या क्या होगी? माना कि 2, 3, 5, 7, 2 और 5 6 संख्याएं हैं, तो हम इन 6 संख्याओं का जोड़ करेंगे और उसे 6 से भाग देंगे, तो हमें मिलेगा 4। तो इसका उत्तर है, एक मित्र के पास चॉकलेट की औसत संख्या 4 है। अतः हम कह सकते हैं, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या बराबर होती है माध्य के, प्रेक्षणों का माध्य, या जिसे हम औसत भी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, दिए हुए सभी प्रेक्षणों के मानों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देकर प्राप्त होता है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब हम पढ़ेंगे बारंबारता। मान लीजिए आपके पास 3 रंगों के गेंदों से भरी एक संदूक है, जहां 3 रंग नीला, लाल और सफेद है। अब हमको उन गेंदों को उनके रंगों के अनुसार 3 अलग-अलग संदूक में रखने को कहा गया है। अलग-अलग करने के पश्चात आपको निम्न संदूक प्राप्त होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, नीले गेंद की संख्या 8 है, लाल गेंद की संख्या 9 है और सफेद गेंद की संख्या 7 है। अतः 8, 9 और 7 क्रमशः नीली, लाल और सफेद गेंदों की बारंबारता है। बारंबारता किसी एक घटना की आवृत्तियों की संख्या होती है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब हम पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य के लिए सूत्र। प्रेक्षणों का माध्य या औसत, जैसे कि हम जानते हैं कि दिए हुए सभी प्रेक्षणों के मानों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देकर प्राप्त होता है। यदि प्रेक्षणों x1, x2 से लेकर xn तक है और उसकी बारंबारताएं क्रमशः f1, f2 से fn तक हो, तो इसका अर्थ है कि प्रेक्षण x1 f1 बार आता है और प्रेक्षण x2 f2 बार आता है, इत्यादि। अब सभी प्रेक्षणों के मानों का योग कुछ इस प्रकार होगा तथा प्रेक्षणों की संख्या ये होगी। अतः इनका माध्य x बार निम्नलिखित विधि द्वारा प्राप्त होगा। उपरोक्त को हम संक्षिप्त रूप में एक यूनानी अक्षर, जिसे हम बड़ा सिग्मा कहते हैं, से व्यक्त करते हैं। इस अक्षर का अर्थ है जोड़ना, अर्थात यह कुछ इस प्रकार दिखेगा। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसे और अधिक संक्षिप्त रूप में इस प्रकार लिखते हैं, यह समझते हुए कि आई का मान 1 से n तक विचरण करता है। आइए इस सूत्र का माध्य ज्ञात करने के लिए उपयोग करें। इस सूत्र को अपनी कॉपी में नोट कर लें। जैसे कि हमने कुछ सूत्र पढ़े हैं, अब उसी सूत्र के आधार पर एक प्रश्न करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, जो कि कुछ इस प्रकार है। किसी स्कूल के कक्षा एक्स में 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। अगर आपने इसका हल निकालने का प्रयास किया होगा, तो यह कुछ इस प्रकार दिखेगा। माध्य अंक प्राप्त करने के लिए हमने एक सूत्र पढ़ा है, जो कि कुछ इस प्रकार है। माध्य अंक ज्ञात करने के लिए हमें प्रत्येक xi से उसकी बारंबारता
fi द्वारा गुणनफल की आवश्यकता है। अतः आइए इन गुणनफलों को सारणी में दर्शाए अनुसार एक स्तंभ में लिखें। यह कुछ इस प्रकार दिखेगा। हमने xi को fi से गुणनफल किया है। 10 को 1 से गुणनफल करने पर 10 मिलेगा, 20 को 1 से गुणनफल करने पर 20 मिलेगा। इसी प्रकार अब बाकी संख्याओं को भी आपस में गुणनफल करके fi xi वाले स्तंभ में लिख सकते हैं। जब इन सारी संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो हमें यह हल मिलेगा। अभी हमने सिग्मा fi xi का मान निकाला और हम सिग्मा fi का भी मान जानते हैं, तो हम इन दोनों संख्याओं को इस सूत्र में लिखेंगे और हल करेंगे, और इसको हल करने पर हमें संख्या मिलेगी 59.3। तो हम कह सकते हैं कि प्राप्त किया गया माध्य अंक 59.3 है। हमें आशा है कि आपने यह उत्तर अपनी कॉपी में उतार लिया होगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखें। एक परीक्षा में 40 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक नीचे सारणी में दिए गए हैं, तो इसका माध्य ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करें। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार निकलेगा। जैसे कि हमने पढ़ा है, माध्य अंक ज्ञात करने के लिए हमें प्रत्येक xi से उसकी संगत बारंबारता fi द्वारा गुणनफल की आवश्यकता है। अतः आइए इन गुणनफलों की सारणी में दर्शाए अनुसार एक स्तंभ में लिखें, जो कुछ इस प्रकार दिखेगा। जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में भी किया था, हमने सिग्मा fi xi का मान निकाल लिया है और हमने सिग्मा fi का भी मान निकाल लिया है, तो इन दोनों संख्याओं को इस सूत्र में लिख रखने पर हमें कुछ ये उत्तर मिलेगा, 23.15। तो हम कह सकते हैं कि इसका माध्य अंक 23.15 है। आइए अब तक जो हमने पढ़ा उसका पुनः स्मरण कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि माध्य क्या होता है। हमने आवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकाला, जिसका सूत्र कुछ इस प्रकार है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। हमने बारंबारता भी पढ़ा। हमने पढ़ा कि बारंबारता किसी एक घटना की आवृत्तियों की संख्या होती है, जिसे हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझा था। हमने आवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य का सूत्र पढ़ा, जो कि कुछ इस प्रकार है। चलिए अब वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में पढ़ें। हमारे दैनिक जीवन की स्थितियों में आंकड़ों का संग्रह बहुत अधिक है। उदाहरण के तौर पर अपनी कक्षा को ही ले लीजिए, इसमें कुल 50 विद्यार्थी हैं। यदि मुझे एक विषय में आप लोगों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य निकालना है, तो मुझे 50 पंक्तियों की एक सारणी बनानी होगी। 50 पंक्तियों की एक सारणी बनाने और इसे हल करने में बहुत समय लगेगा। आसान विधि है कि आंकड़ों को वर्गीकृत करना और उसकी सहायता से माध्य निकालना। और अगर 50 की जगह हमें 100 विद्यार्थियों की कुछ संख्या निकालनी हो, तो वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। हमारे दैनिक जीवन की अधिकांश स्थितियों में आंकड़े इतने बड़े होते हैं, उनका एक अर्थपूर्ण अध्ययन करने के लिए उन्हें समूहों में बांटकर, अर्थात वर्गीकृत करके छोटा किए जाने की जरूरत है, जो कि कुछ इस प्रकार दिखेगी। यहां हम वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों के बीच का अंतर देख सकते हैं। अतः हमें दिए हुए अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत आंकड़ों में बदलने की आवश्यकता होती है, तथा इन आंकड़ों के माध्य ज्ञात करने की विधि निकालने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अवर्गीकृत आंकड़ों की तुलना में वर्गीकृत आंकड़ों के साथ कार्य करना अधिक आसान होता है। चलिए अब वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालें। मान लीजिए आपके स्कूल में 1000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। सभी विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में पढ़ा पाना असंभव होगा। इसी कारण विद्यार्थियों को अलग अलग कक्षाओं में बांट दिया जाता है, जैसे कक्षा 1, कक्षा 2 इत्यादि। इसी प्रकार सांख्यिकी में जब बहुत अधिक आंकड़ों को
व्यवस्थित किया जाता है तो उन्हें विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है और इस तरह के वर्गों की सीमा को वर्ग अंतराल कहते हैं और अंग्रेजी में से क्लास इंटरवल भी कहते हैं। वर्ग अंतरालों की माप सामान्यतया समान होती है। वर्ग अंतराल की सीमा को वर्ग सीमा कहते हैं। वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। आइए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमने वर्ग अंतराल के माध्यम से संख्या को सजा रखा है। सबसे पहले निचली वर्ग सीमा देखते हैं। जैसे कि यहाँ दर्शाया गया है, सबसे पहले वाले बॉक्स में 10 से 25 का वर्ग अंतराल लिखा गया है, जिसमें से 10 निचली वर्ग सीमा है और ऊपरी वर्ग सीमा है 25। उदाहरण के तौर पर किसी वर्ग अंतराल 25 से 40 के लिए 25 निचली वर्ग सीमा है और 40 ऊपरी वर्ग सीमा है। किसी वर्ग अंतराल में ऊपरी वर्ग सीमा में आने वाले प्रेक्षण उस वर्ग अंतराल में नहीं लिए जाते हैं, जबकि निचली वर्ग सीमा में आने वाले प्रेक्षण उसी वर्ग अंतराल में लिए जाते हैं। यदि मुझे एक संख्या 25 एक वर्ग अंतराल के आवंटित करना है, तो मैं इसे 25 से 40 के लिए आवंटित करूंगा, ना कि 10 से 25 के लिए, क्योंकि ऊपरी वर्ग सीमा उस वर्ग के भाग नहीं होते हैं, जबकि निचली वर्ग सीमा उसी वर्ग का भाग होती है। 25 वर्ग अंतराल 10 से 25 में ऊपरी वर्ग सीमा है, अतः ये इस वर्ग में नहीं लिया जाएगा, लेकिन वर्ग अंतराल 25 से 40 के लिए 25 निचली वर्ग सीमा है, इसलिए ये इस वर्ग में सम्मिलित होगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि निचली वर्ग सीमा सम्मिलित होती है और ऊपरी वर्ग सीमा सम्मिलित नहीं होती है। ध्यान दें, यह एक नियम है जिसे वर्ग अंतराल बनाने के लिए एक मानक तरीके के रूप में निर्धारित किया गया है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब हम एक वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु देखेंगे, जिसे हम वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। हम एक वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु उसकी ऊपरी और निचली सीमाओं का औसत निकालकर ज्ञात करते हैं, अर्थात वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा जमा निचली वर्ग सीमा बटे 2। वर्ग 10 से 25 के लिए वर्ग चिन्ह है 10 जमा 25 बटे 2, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 17.5। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसी प्रकार शेष वर्ग अंतरालों के वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोकें और दिए गए सारणी से वर्ग चिन्ह निकालें। अगर आपने इसका हल निकाला होगा तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। आइए अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसका पुनः स्मरण कर लेते हैं। हमने पढ़ा वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह, हमने वर्ग चिन्ह का सूत्र भी पढ़ा जो कि कुछ इस प्रकार दिखता है।